सो है व्हाट्स अप योर फैमिली, दिस इज़ अंकित। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। बहुत ही शानदार सा मौसम है और मैं मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आया था। एक क्वेश्चन जो बहुत सुनने को मिलता है मुझे, मैंने सोचा उस पर एक डाउट क्लियर करने वाला वीडियो बनाना चाहिए मुझे। तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये मैं आपको बताता हूँ। एक दिन जिम में एक लड़का आया जो करीब 7-8 दिन से गायब था। तो मैंने उससे पूछा कि इतने दिन कहाँ था तू? तो उसने कहा भैया मैंने ब्लड डोनेट किया था इसलिए मैं वर्कआउट नहीं करने आ रहा था। तो मैंने कहा कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई थी? तो कहा नहीं, बस ऐसे ही ऐसे ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, या हैवी वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या ऐसा करने से हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या सबसे बड़ी मिथ तो ये है ब्लड डोनेट करने के बाद हमें वेट ट्रेनिंग करनी भी चाहिए कि नहीं। सो इस मिथ को क्लियर करने से पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले वक्त में लाने वाला हूँ और वो वीडियोस मिस ना हो जाए। आप कर लो पहले, वो वीडियोस मिस ना हो जाए उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। जी हाँ, ये थे जो चिल्ला रहे थे, इनके अलग भौकाल है भाई। भारतीय रेल, साथ ही साथ आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो जहाँ पर मैं आपके डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ, और अगर मैं आपके डाउट्स पर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो उन पर वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो बात करूँ अगर ब्लड डोनेशन की, तो गाइस ब्लड डोनेशन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कि पूरी तरह से सेफ है। जी हाँ, यहाँ तक कि इस डाउट का आंसर देने से पहले मैंने एक डॉक्टर से भी सलाह ली इस चीज़ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम सेफ्टी पर्पस से लोगों को कहते हैं कि आप 24 घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। हालांकि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ी बहुत वीकनेस फील होती है, अदरवाइज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या वेट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है गाइस। अगर आपको रेस्ट लेना भी है ब्लड डोनेशन के बाद, अगर आप ये मुझसे पूछना चाहो कि ब्लड डोनेट करने के बाद आपको कितना टाइम रेस्ट लेना चाहिए, तो वो बहुत करके 24 घंटा है। यानी कि उस दिन अगर आप चाहो तो रेस्ट ले लो। अगर आपको बेटर फील हो रहा है तो आप बिल्कुल वर्कआउट करो, ना कि ये सोच करके कि ब्लड डोनेट किया है इसलिए मैं लंबे समय तक वर्कआउट नहीं करूँगा, इवन मैं खाऊँगा, डाइट लूँगा, ये करूँगा, वो लूँगा। जी नहीं, वो आप ले सकते हो, बिल्कुल लो, बट वर्कआउट का इससे कोई लिंक नहीं है। आसानी से 24 घंटे के रेस्ट के बाद आप अपना वर्कआउट शुरू कर सकते हो, अपनी वेट ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। मैंने खुद डॉक्टर से यह बात पूछी थी तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो, पूरी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। अगर आपको वीकनेस फील हो रही हो, चक्कर आ रहा हो, तो आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। सो गाइस, इस छोटे से डाउट को क्लियर करने के बाद आई होप इस टॉपिक पे कोई डाउट ना हो। अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, अदरवाइज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझे अपने डाउट वहाँ पर भेजें, मैं आपके डाउट्स पे रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा, अदरवाइज उन पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।